नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भव्य टेक फार्मिंग के इस फ्रेश एपिसोड में। तो आज हम जिस जगह पे एक बार फिर से है चराड़ा में बिल्ला भाई के वहाँ, और आज इस वीडियो में हम आपको उनकी कुछ गायों के बारे में बताएंगे, क्या प्राइस रेंज है, कौन से लैक्टेशन में है और क्या दूध दे रही है, ये सारी बातें हम करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए ताकि आप जान सके कि आज उनके पास जो गाय है उनका प्राइस रेंज क्या है और क्या दूध दे रही है। तो ये सारी बातें करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार भैया। नमस्कार जी, क्या बात, बड़े दिनों में आए हो। अरे कहाँ चले गए थे? बीमार हो गए थे भैया। तो अब कैसे हैं आप? बस बढ़िया। तो एक महीने के बाद हम आ रहे हैं, तो पहले बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं बोल रहे थे कि बिल्ला भाई का वीडियो कवर करें, तो हम पहले ही जैसे ही स्वस्थ हुए तो आपके पास पहुँच गए। तो आज आपके पास कितनी गाय है? गाय आज मेरे पास 14 गाय। 14 गाय, और इसका जो प्राइस रेंज है वो क्या है आज? प्राइस रेंज तो थोड़ा सा पहले से टाइट है जी, महंगाई है काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा है? ज़्यादा। अरे आप भाव बढ़ा दोगे तो फिर व्यूवर्स कहाँ जाएंगे, किसान कहाँ जाएंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, भाव ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा 19-20 ग्राहक को भी पता है ऐसी बात नहीं, गलत रेट नहीं लेंगे, वाजबी करके देंगे, पर जिसने दे रखी है तो फिर उसको तो लिहाज करनी पड़ेगी। तो कितना है, तो भी प्राइस कहाँ से कितने तक वाली है? स्टार्टिंग है 50-55-45 की भी गायें। हाँ, क्योंकि कुछ किसान जो 30-40 वाली भी मांगते हैं, तो हमें वैसी गाय भी बताइएगा अगर आपके पास है तो। होती है ऐसी गाय भी हमारे पास, यही गाय हो कोई ख़राब शराब हो जाती है तो हमको देनी भी पड़ती है। ठीक है, तो इनका जो एवरेज मिल्क है वो क्या है? इनके एवरेज मिल्क दूध का अच्छा है। हाँ, दूध तो निकालती है 10 लीटर 12 लीटर, अब तो गाय 12 लीटर 10 लीटर तो स्टार्टिंग है। अच्छा, और ये पिछले एक महीने में कैसा रहा? बहुत अच्छा। नहीं आए हम तो, बहुत याद किया आपको, बहुत माल आया। हाँ, तो हमारे वीडियो तो चल रहे थे, हम नहीं आए। आपकी वीडियो, हमारी वीडियो जो पहली पड़ी है उसमें भी बहुत ग्राहक आते हैं जी, मगर वो नहीं डलती रहती तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये आपके साथ में जो खड़ी है इसका क्या डिटेल है? ये जो खड़ी है गाबन है। अब ये 15 दिन बाकी है इस गाय का जलने का। 15 दिन तारीख के हिसाब से? अच्छा, टाइम रखा है 15 दिन। अच्छा, और कौन से लैक्टेशन में? ये दूसरे या तीसरे में? दूसरे है, दांतों में 6 दांतों, तीसरा लगता है मगर है नहीं क्योंकि दांत में 6 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और कितने रोज कच्ची है? ये 15 रोज कच्ची है। और फर्स्ट में इसने कितना दूध निकाला होगा? दूध तो गाय 20 लीटर की है। 20 लीटर टाइम का, एक टाइम का। हाँ, अभी गाय कच्ची, बेटा छोड़ के दिखाना, खोलना, थोड़ा खोल के बताओ छोटू। तो किसान मित्रों देख सकते हो सेकंड लैक्टेशन में है, अभी 15 रोज कच्ची है, और ये बोल रहे हैं कि अभी बहुत बावला बनाएगी गाय। इस बार कितना दूध देगी ये? इस बार गाय की मैं गारंटी लूँगा कि 17 लीटर की, वैसे 20 लीटर की है, 17 लीटर की गारंटी लूँगा। 17 लीटर एक टाइम का? एक टाइम का, अभी तो बहुत बावला छोड़ना है। तो आप देख सकते हो उसका सिंग भी है, तो सिंग वाली है, तो सिंग नहीं कटे है इसके, सिंग नहीं लगा। बाकी ये कौन से HF है क्रॉस में? जो HFC और जर्सी की, जर्सी का क्रॉस है। ठीक है, तो ये 17 लीटर एक टाइम का देगी, आप गारंटी ले रहे हो? हाँ जी, गाय की गारंटी दे। तो मतलब दो टाइम का 34 लीटर तक दे देगी। ठीक है, इसका जो मोल है वो क्या मांग रहा है बिल्ला? इसका मोल मैं आपसे मोल लूँगा, जिसका गाय का मांग लोगे तो 75 में 65 की गाय दे दूँगा। 65 में दे दोगे? हाँ, तो 75 मांग रहे हो, 65 में दे दोगे अगर कोई मौके पे आएगा। पर ऐसा हो ये माल खड़ा है तो फिर आप दूसरा नहीं बताओगे, क्योंकि बहुत सारे किसान हमें कंप्लेन कर रहे हैं कि उधर जाते हैं तो प्राइस बिल्ला भाई बढ़ा देते हैं। असल बात क्या है ना, अब ये वीडियो मैंने डाली, अभी वीडियो कल वायरल होगी, इतना माल बिक जाता है, फिर बीजा माल आया। नहीं नहीं, समझ गए, अगर ये गाय खड़ी है तो आप उतने में दे दोगे? हाँ, आप तो ख्याल दे दूंगा, कोई भी ले लो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वाली में आ जाइए, एक बार और देखो गाय को, एक बार और दिखाओ। ठीक है, थोड़ा चल के, अच्छी गाय है वो। तो किसान मित्रों देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आर्डर है, उसके जो थन है वो भी आपको दिख रहे होंगे काफ़ी। काफ़ी सुंदर है, और हाइट वेट में भी मीडियम हाइट में है, थोड़ी सिंग भी है, और अभी 15 रोज कच्ची है। ठीक है, लगाओ। तो ये मोल 75,000 मांग रहे हैं, अगर कोई मौके पे आएगा तो लास्ट में 65 तक दे देंगे। ठीक है, इसका क्या डिटेल है भाई बिल्ला भाई? गाबन है। ये गाबन है, कौन से इलेक्ट्रिशियन में? ये दूसरा है। ये दूसरे में,
और कितने रोज कच्ची है? ये है 12 दिन कच्ची। 12 दिन कच्ची है, तो फर्स्ट में कितना दूध निकाला होगा उसने? तो बच्चा निकालेगी 13-14 लीटर। इस बार 13-14 लीटर निकालेगी, ठीक है। छोटू खोल के बता थोड़ा। और इसके दांत कंप्लीट हो गए? दांत तो पूरी हो गए, दांतों में कंप्लीट है। तो किसान मित्र देख सकते हैं, ये भी सेकंड लैक्टेशन में, ये भी 12 रोज अभी कच्ची है, और अच्छा और भी अडर बनाएगी। ये पूरी है जी ब्रीड। तो हाइट में भी काफ़ी है, पहले वाली से मुकाबले कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा हाइट है, और आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखेगी, काफ़ी दिखने में सुंदर है। और अडर बनाएगी जी, ये देखो यहाँ रोक बैठ रहा हूँ। आप इसका अडर क्वालिटी भी देख सकते हो, ये जो है ना सब ये भरने का है, खाली पड़ा। अभी 10-12 रोज कच्ची है, तो और भी अडर बनाएगी, काफ़ी सुंदर थन तो बड़े और आपको दिखेंगे, ठीक है। लगाओ लगाओ, ठीक है बिल्ला भाई। इसका मोल क्या है, क्या मांग? इसका जी 65 देने का भाव, ठीक है। तो 65 में ये कम से कम, किसान मित्रों 65 मांग रहे हो, और कम से कम 12 से 13 लीटर एक टाइम का नहीं है कि 25-26 लीटर दूध निकालेगी, 10-12 रोज कच्ची है, ठीक है। बाजू वाला का बता दीजिए थोड़ा डिटेल, ये इसका क्या डिटेल है? छोड़ भाई, ये गाबन है, ये भी ये गाबन है, थोड़ी हाइट में कम है, ये क्रॉस में नहीं, पूरी 100% है। ये क्या, इसको सूजन है? ये हाँ, वो बोलते हैं ना हारू हारू आर हुआ, अच्छा उसको सूजन है थोड़ा। तो ये तो बियाने के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। तो हाइट में थोड़ी कम है, और कौन से लैक्टेशन में ये? दूसरा लैक्टेशन है, दूध निकालेगी बहुत अच्छा जी, ये भी 14-15 लीटर दूध की गाय है, ये भी 14-15 लीटर निकालेगी, ठीक है। और कितने रोज कच्ची है अभी? ये भी 10 दाड़ा लेगी, 10 दिन और ले लेगी, ठीक है बांधो। तो किसान मित्र देख सकते हो, थोड़ा इसके अडर क्वालिटी हम दिखाएंगे क्लोजली, थोड़ा सूजन है, तो आप क्लियरली देख सकते हो इसके, अभी 10 रोज और कच्ची है, बहुत अच्छा बनाएगी, ठीक है। तो इसका मोल है वो क्या मांग रहे हो? इसका मोल लेंगे जी हम 55। 55 इसमें कम हो जाएगा कुछ, मौके पे कोई आएगा तो? 2-4-5 आएगा तो मान सम्मान करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 50 तक दे दोगे अगर कोई आ जाएगा तो, ठीक है। तो इतना डिफरेंस, थोड़ी हाइट में कम है इसलिए थोड़ा इसका और वो वाली का प्राइस में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा यही बिकता है बस, ये हो जाता है दूध तो, ये भी कम नहीं निकालेगी, मगर क्या है थोड़ा सा ब्रीड के ऊपर, ब्रीड के ऊपर थोड़ा हाइट वेट के ऊपर, वेट के ऊपर जैसे मान नहीं पाते, साइज ज़्यादा है तो वैसे कीमत, ठीक है। ये वाली का क्या है, ये जो साथ वाली है जी, ये सींग वाली है, इसका बच्चा मर गया है, बच्चा मर गया इसका, ये हो गए मैं कम रेट में दे दूंगा, अच्छा ये 35 की दे दूंगा, 35 में पक्का? बच्चा मर गया जिसका दूध निकाल दिया गया है, पर कर थोड़ा इसका बच्चा मर गया, कितना टाइम हुआ इसको भी आएगा? वो गाड़ी में जनी थी, गाड़ी ने पग में रख दिया, अच्छा ओके। तो किसान मित्र देख सकते हो कितना दूध देगी ये, दूध तो निकाल देगी जी 8-9 लीटर, पर ये बच्चे के बिना दे देगी दूध? तो किसान मित्र देख सकते हो इसका बच्चा मर गया है डिलीवरी के बाद, और कम से कम 2 दिन हुए हैं इसको ब्याह को, 7-8 लीटर दूध दे देगी, और अगर प्राइस में देखो तो 35 तक दे देंगे, अगर किसी किसान मित्रों को चाहिए तो 7-8 लीटर है, पर हाँ इसका बच्चा मर गया है, तो बिना बच्चे के ये गाय अगर आपको चाहिए तो ये 35 तक लास्ट में दे देंगे। ये कुछ किसान आए गाय देख रहे हैं, इसका भी बछड़ा मर गया है, तो इस हिसाब से इनका बच्चा मर गया है, तो अभी ये दूध चौके देख रहे जो किसान आए। अरे अगर कल का रेलू मना तो लगे कंपनी खे जाती है, रात ही रेलू मना, रात ही जनी है, दूध चुप रहा है। आप देख सकते हो बोल रहे हैं कल ही ब्याई है, तो इसका जो दूध है आप देख सकते हो पूरा येल्लो इस है, तो जो बता रहे हैं उस हिसाब से सही है, क्योंकि इसका दूध अभी येल्लो है, तो ये जो खीस होता है वो येल्लो होता है, ये इन्होंने रखी है भाई ने कहा।
ठीक है। बिल्डर इसका क्या है, ये जो गाय खड़ी है बाजू में, जो गाय इसका ये रात ही जनी थी, इसका रेल्लू मरी है, इसका भी रेल्ला मर गया है, ठीक है। तो कितना मैंने बेच भी दिए, बेच दी, कितने में बेची? ये बेची है मैंने 55,000। 55,000, तो कौन है अभी है ग्राहक? ग्राहक वो खड़े 55 नहीं बेचे भाई, मोटा भाई बता देना कितने की, 55 नहीं बेची। क्या नाम है आपका सर? कमलेश। कमलेश भाई? गोपाल भाई चौधरी। चौधरी, और आपने ये गाय रखी है? हाँ। कितने में रखी? 55,000। तो इसका तो जो बछड़ा है वो मर गया है, तो फिर दूध में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या बताया, अगर ये सपोज घर पे गई है और आपको दूध नहीं दिया तो या कुछ? वापस करने की गारंटी नहीं है। वापस करेंगे तो दूसरी गाय देंगे या पैसा वापस करेंगे? आपको जैसा सही लगे ऐसा। ठीक है, तो आपने क्या गारंटी दी है? मैंने गारंटी दी थी अपने ग्राहक को, मेरे ग्राहक जानने वाले हैं। हाँ। मैंने गारंटी दी है कि जैसा बच्चा मर गया तो आपकी पहले बच्चे की दूध निकालेगी तो गाय रखने का, नहीं तो गाय पाती, मैं इनको ये पैसा लेंगे, पैसा दे दूंगा, गाय बदलेंगे गाय। ठीक है, तो इनकी अच्छा हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर उनको पैसा चाहिए तो आप पैसा भी रिटर्न कर दोगे? पैसा भी रिटर्न कर दूंगा। तो ये कितना दूध दे देगी? आपने 55,000 ये इसका जो मोल लगाया है, तो कितना दूध दे देगी? गाय दूध निकालेगी जी 11-12 लीटर। और आपने उनको भी बताया इतना दूध निकालेगी? निकाल देगी तो। ठीक है, मगर ग्राहक तो दूध की बोली नहीं मांग रहा, ग्राहक कह रहा है बस पाल्टी लात नहीं मारनी चाहिए, जैसा बच्चा मर गया, मगर जी वो मेरी बोली। अच्छा, तो आपका जो गारंटी है वो उसके आंचल की, और अगर वो दूध देने में आनाकानी करती है तो वो रिटर्न करेंगे, बाकी चेक कर लिया। अप्रोक्स तो दूध आपने बताया होगा कि 10 लीटर या 12 लीटर, तभी तो उन्होंने पसंद की होगी। वो कोई दिक्कत नहीं है, गाय के इसके होटल में दूध झड़ता है। हाँ। मालिक बोल रहा है इसका तेरे को गारंटी लेनी पड़ेगी, मैंने बोला है गाय के थन में दूध झड़ेगा तो गाय में पाती लूँ। अच्छा, अगर गाय में अगर दूध टपकता है या तो फिर देने में वो प्रॉब्लम करती है तो आप गाय रिटर्न कर देंगे, पैसा रिटर्न कर देंगे? तो चाहे जैसे इनकी इच्छा हो, पैसा मांगे तो पैसा भी दूंगा, गाय लेंगे तो गाय। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए बाजू में करते हैं। ठीक है बोला भाई, ये जो बाजू में खड़ी है उसका डिटेल बता दीजिए क्या है? ये गाय की 14-15 लीटर दूध। कौन से लैक्टेशन में? यो लैक्टेशन है का दूसरा। दूसरा, और कितने अभी ब्याह गई है? कच्ची है अभी, ब्याह गई है। 14-15 लीटर दूध। कितना टाइम हुआ ब्याह को? हो गया 8-10 होगा। 8-10 दिन हो गए, तो अभी कितना दूध निकाल रहे हो? दूध तो 14-15 लीटर है। 14-15 लीटर एक टाइम का? जी जी। तो दो टाइम का 30 लीटर दूध होगा? हाँ, देखो गाय देखो फिर। ठीक है, तो ये जो दिख रही है ये बता रहे हैं 8-10 दिन हो गए, इसका काफ़ी शानदार अडर दिख रहा है, हाइट भी बहुत बढ़िया है, अब तो दूध निकाला है, और प्योर HF ब्रीड में है, और काफ़ी अच्छा हाइट वेट है, बॉडी स्ट्रक्चर इसका थोड़ा हैवी है, काफ़ी शानदार बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहा है, और अभी ये 14-15 लीटर दूध एक टाइम का निकल रहा है, तो आप देख सकते हो इसका अडर क्वालिटी। देखो नसें, देखो इसकी दूध वाली, ये दूध वाली काफ़ी शानदार, इसकी मिल्किंग वेन भी आपको दिखेगी। ठीक है, तो बिल्ला भाई इसका मोल क्या मांग रहे हो? इसका मोल जी हम लेंगे 75,000। और कोई मौके पर आएगा तो कितना कम कर दो? 60-65 में? 60 या 65? 60,000 में दे दोगे तो बहुत 60 तो लास्ट है। तो इसका इतना दूध है और 60,000 में आप दे दोगे, आपने एक गाय अभी बेची 55,000 में, तो इसका और इसका डिफरेंस क्या है? ये गाय मेरे पास 8 दिन रुकी है। अच्छा, तो इसका जो टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया इसलिए आप इसको 60,000 में दे दोगे, बहुत बढ़िया। तो अगर किसान मित्रों आपको चाहिए तो ये 60,000 में लास्ट में दे देंगे। ठीक है, इसका डिटेल ये तो मेरे को क्रॉस दिख रही है, साहिवाल क्रॉस है? हाँ जी, साहिवाल गिर क्रॉस बोलते हैं। साहिवाल दिख रही है, गिर तो होगी तो अगर उसके बड़े सींग हो गए, पर मेरे को दिख रही है ये साहिवाल क्रॉस है। ठीक है, ये एक ब्याह गई है? जी ब्याह गई। कितने रोज हुआ इसको? हो गया 8-10 हो गया। इसको भी 8 दिन हो गए। ठीक है, कितना दूध देती है अभी? 9 लीटर एक टाइम का, यानी कि 2 टाइम का 18 लीटर दूध देती है। और क्या दिया है इसने, बछड़ा है? बछड़ी, बछड़ा है। और कौन से लैक्टेशन में ये? ये दूसरा लैक्टेशन। ये भी दूसरे में है, तो ये थोड़ा खोल के बता दीजिए मेरे को। तो आप देख सकते हो ये साहिवाल क्रॉस है, ऐसी होती है डेली डेली, और काफ़ी हैवी आपको हाइट, बॉडी काफ़ी सुंदर है। और अगर आपको साहिवाल क्रॉस चाहिए तो इसका जो फैट आएगा वो भी थोड़ा ज़्यादा आएगा, मतलब 6 के करीब आएगा। ओके,
6 पक्का तो नहीं आएगा पर 4.5 से 5 के बीच में हो रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर इसका आर्डर क्वालिटी, और ये कभी करीबन 8-10 रोज हो गया है उसको ब्याह को, और अभी 9 लीटर दूध दिख रही है। ठीक है, इसका मोल क्या मांग रहे हो? इसका 47। तो कितने में दे दोगे? 40 में दे दोगे? क्योंकि 40 तो लास्ट है। तो अगर कोई जो किसान मित्र हमें बोल रहे थे कि 40-30 हज़ार वाली गाय भी चाहिए, तो इनके पास आज हमने देखा, एक पहले हमने एक बछड़ा मर गया था उसका 35 बुलाई, ये 40 तक दे देंगे। ठीक है, बढ़िया। इसका डिटेल बता दीजिए, ये इसका आर्डर क्वालिटी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। पहले बता दिए कौन से इलेक्ट्रिशियन में? दूसरे में। तो फर्स्ट में कितना दूध दिया इसने? इतने दूध तो पहले में दिया 10 लीटर, मगर 12 लीटर तो हम बना रही है, जिंदगी है दिया गई है। हाँ, कितने दिन हुए? परसों जनी। क्या दिया इसने? इसने बछड़ा दिया। तो अभी कितना दूध निकाल रहे हो? नीचे दूध पूरा पक्का है जी। कितना? 12 लीटर। अभी शुरू है। अच्छा, अभी खीरा है, मतलब दो दिन हुए। ठीक है, थोड़ा खोल के बता बेटा। तो किसान मित्र देख सकते हो सेकंड इलेक्ट्रिशियन में थोड़ी हाइट कम है, और इसका जो ऑर्डर क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया दिखाई देगा आपको, और कम से कम ये 10-12 लीटर दूध देगी एक टाइम का, यानी कि 22 से 25 लीटर दूध देने की आशा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। बहुत बढ़िया, हालांकि थोड़ी हाइट कम है और 2 दिन हुए इसको ब्याह को। ठीक है, तो बिल्ला भाई इसका क्या मोल मांग रहे हो? इसका 75,000। 75,000 बहुत ज़्यादा है। गाय अच्छी है। दूध कितना दे देगी? दूध तो निकालेगी 14। अभी तो बना गई है। 12 अभी है, तो 14 तक जाएगी एक टाइम का। यानी कि भी जा सकती हो जैसे 25-28 लीटर। तो कितने में दे दोगे? क्योंकि मौके पे आ जाएगा तो दे दूंगा आप 65 तक दे दोगे। तो किसान मित्रों अगर आपको चाहिए तो ये 25-28 लीटर दूध देगी और 65 तक दे देंगे। ठीक है, इसका लास्ट वाली का? ये वाली जनी भी है, दूध है 9 लीटर दिया गई है। हाँ, हाइट तो काफ़ी है। फर्स्ट में है क्या? मीडियम रेंज में। ठीक है, थोड़ा खोल के बताओ भैया। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखेगा आपको ये फर्स्ट लैक्टेशन में है, अभी ब्याह गई है। कितना दूध दे रही है अभी? दूध इसके नीचे कोई 9 लीटर। 8-9 लीटर। ठीक है, तो मतलब एक दो टाइम का 16 से 18। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर आप देखोगे थोड़ा कम ही दिखाई दे रहा है फर्स्ट लैक्टेशन में, और पूरी ब्लैक के अंदर है। ठीक है, इसका जो मोल है वो क्या मांग रहे हो? इसका मोल तो जी 50 मांग रहा हूँ, 45 की गाय दे दूँगा। 45 तक दे दोगे? ठीक है, तो ये नहीं है बताने का, नहीं कोई भी ले लो ग्राहक खड़े हैं। किसान मित्रों अगर आपको ये चाहिए तो ये 45 तक दे देंगे, 8 से 9 लीटर दूध दे देंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये थे चराड़ा से बिल्ला भाई, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। जय हिंद, जय भारत।